फ्रेंड्स, आज हम अनबॉक्सिंग करेंगे MI के LED TV 4C Pro, जो कि हमने अमेज़ॉन से 12,499 रुपीज़ का ऑर्डर किया था। तो चलिए इसको ओपन करते हैं, देखते हैं सब सही सलामत आया पहुंचा कि नहीं। ये हम खुद से ही अनपैक कर रहे हैं। ये हमारा बॉक्स खुल गया। बॉक्स के ऊपर रिमोट है और स्टैंड दिया हुआ है। ये हमारा रिमोट है, इसको चलिए निकाल लेते हैं। उसके बाद पैनल को निकालते हैं, देखते हैं कहीं टूटा उटा तो नहीं है। ये हमारा पैनल LED है, इसको पॉलिथीन से निकाल लेते हैं, चेक कर लेते हैं। फ्रेंड्स, LED में कोई भी स्क्रैचेस नहीं है चारों तरफ और बिल्कुल सही दिख रहा है। चलिए इसके पीछे देख लेते हैं, पीछे भी सब कुछ ओके है। चलिए अब इसको स्टैंड में सेट करके देखते हैं। ये हमारा स्टैंड में सेट हो गया। आइए देखते हैं इसमें क्या क्या है। इसमें वॉल माउंट नहीं मिलता, वॉल माउंट के लिए आपको अलग से ऑर्डर करना पड़ेगा। 4C प्रो में सिर्फ ये वाइट लाइन का डिफरेंस है 4A प्रो के मुकाबले, बाकी फंक्शन लगभग सेम है, या ये कहिए कि बिल्कुल सेम है। ये हमें पोर्ट मिल जाता है HDMI 1, 2, 3 एंड AV पोर्ट, इसमें आप 3 पिन लगाते हैं। चलिए सेटिंग में देखते हैं। सेटिंग में हमें नेटवर्क मिल जाता है, वाईफाई अभी हमने नोट 5 प्रो से कनेक्ट करके रखा है, और भी सेटिंग है। इसके बाद इनपुट है, गूगल कास्ट है, क्रोम कास्ट बिल्ट इन है इसमें, साउंड है, पिक्चर है, ऐप है, स्क्रीन शेवर, स्टोरेज एंड रीसेट। आपको अगर फैक्ट्री रीसेट डाटा करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। अबाउट डेट एंड टाइम, लैंग्वेज, कीबोर्ड, पैच वाल का इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, गूगल स्पीच, इसमें ब्लूटूथ भी है, आप ब्लूटूथ इनेबल होम थिएटर को आप कनेक्ट कर सकते हैं। पिक्चर मोड है, कस्टम सेटिंग है। पिक्चर मोड में आप स्टैंडर्ड मूवी, स्पोर्ट, कुछ भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। कस्टम सेटिंग में आप ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट, सैचुरेशन, शार्पनेस को आप एडजस्ट कर सकते हैं मैनुअली। ओके फ्रेंड्स, अब देखते हैं इसमें और क्या क्या है। यहाँ पे गूगल असिस्टेंट है, ऐप है, यूट्यूब, हॉटस्टार, और आप प्ले स्टोर से आप कोई भी ऐप डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये फाइल एक्सप्लोरर हमने डाउनलोड किया, FX और VLC प्लेयर अलग से। चलिए इसमें अब और भी फंक्शन है, ये सब कुछ पेड हैं, कुछ फ्री हैं। बहुत ही स्मूथली चल रहा है रिमोट। ये USB का हमने एक्सटेंशन लगा दिया है ताकि USB लगाने में, पेन ड्राइव लगाने में कोई प्रॉब्लम ना हो, बार बार आपको हाथ को पीछे करके देखना पड़ेगा। चलिए अब वीडियो ये प्ले कर दिया हमने YouTube से। ये देखिए साउंड भी बहुत अच्छे क्वालिटी का है।
पिक्चर क्वालिटी भी बहुत अच्छा है। ये 4K वीडियो प्ले हो रहा है यूट्यूब से डायरेक्टली। आंखों से देखिएगा तो और ही क्लियर दिखेगा। साउंड क्वालिटी बहुत अच्छा है। वीडियो प्ले होने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ये कोस्टारिका का वीडियो है। ओके फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू।